और ये आप देख सकते हो बिना थूबी के जो ये ऊंट है दोस्तों, ये तो बेचारे इधर उधर होके लोगों को एक दो पाटू ही मारी होगी, क्योंकि इसमें इतना वो नहीं लगा था दोस्तों। दोस्तों ये है सेवाड़िया पशु मेला रानीवाड़ा, जो कि रानीवाड़ा के जस्ट 1 किलोमीटर पास में ही है, और ये सदियों से आ रहा है। बट अभी जो बैलों की संख्या है वो इस मेले के अंदर मात्र 2 बैल की जो जोड़ी है वो आई है। आने वाले टाइम के अंदर ये धीरे धीरे लुप्त होता नज़र आ रहा है। और जो पहले ज़माने की अगर बात करें तो यहाँ पे 10-10 हज़ार बैल की जोड़ी एक साथ में आया करती थी, जो कि यहाँ वहाँ घूमने के लिए जगह भी नहीं होती थी। लेकिन आज की सिचुएशन को देखते हुए 4-5 घोड़े आए हैं और कुछ है। नमस्कार जी। नमस्कार। अच्छा, ये आप घोड़ी लेके आए हो मेले में? ये घोड़ी हमारे गुरु की है। अच्छा, गुरु की है। हाँ। अच्छा, आप यहाँ पे रेस के लिए लेके आए हो? लेके आया हूँ। अच्छा, कौन सी नस्ल की घोड़ी है ये? सिंधी, प्योर सिंधी, प्योर सिंधी घोड़ी। अच्छा, प्योर सिंधी। अच्छा अच्छा अच्छा, और आप पहले भी मेले में आए थे? आए थे। अच्छा, आपको कैसा यहाँ पे फील हो रहा है? जोरदार। अच्छा अच्छा, और बात करें तो ये कितने साल की घोड़ी है आपकी? 7 साल की। अच्छा, 7 साल की घोड़ी है। अच्छा अच्छा, तो गाइस आप देख सकते हो बासा भी लेके आए घोड़ी, और मैं आपको बता देता हूँ इस प्रकार से है घोड़ी यहाँ की, जो कि रेस के लिए अभी घोड़ी को करा दिया है तैयार, और अभी इनको भी रनिंग के लिए लेके जा रहे हैं। तो दोस्तों ये राउंड इस प्रकार से है जो आरंभ हो चुका है। आप देख सकते हो इस प्रकार से जो हॉर्स लवर है, ये आप भी देख सकते हो, आपको ये किस प्रकार से दिख रही है दोस्तों। तो गाइस आप देख सकते हो ये है हॉर्स विजेता, और देखते हैं इस घोड़ी में क्या है कुछ खास खूबी। ये दोस्तों घोड़ा है, सॉरी, और कुछ ही ऐसा दिख रहा है। आप देख सकते हो विजेता फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 स्टेप पे जो विजेता है उनको अलग अलग टाइप से। लालू सिंह देवड़ा जाखड़ी पहला स्थान रहा है, मोहन लाल रतारानी उसमें सेकंड स्थान रहा है, और तीसरे नंबर पर आए हैं जय सिंह रावत सिंह जी पालन देवड़ा। अरे जो सामने खड़े वो पीछे हटे। श्री महेंद्र सिंह जी सरपंच कागवाला, श्री प्रदीप सिंह सरपंच मालवाड़ा, श्री कल्याण सिंह जी पंचायत सदस्य रानीवाड़ा, श्री नवल सिंह देवा रानीवाड़ा। तो अगर घोड़े रेस की बात करें तो पहले जैसा माहौल नहीं रहा, क्योंकि जब अर्जुन जी देवासी के जब वो घोड़ा रेस करता था ना, तब यहाँ की इतनी सारी भीड़ होती थी कि उसका कोई जवाब ही नहीं है। और आज देखो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ आराम से पंडाल के सामने, 5-25 लोगों की भीड़ है, कुछ विशेष की भीड़ नहीं है दोस्तों। पहले का रुतबा एक अलग ही था, और आज कुछ छोटा मोटा जो सिस्टम है उस प्रकार से है कि कुछ मज़ा नहीं आ रहा है दोस्तों। अब आप देख लो, अब घोर्स जो हॉर्स की है जो रेस हो चुकी है, और देखो भीड़ कहाँ है यार, ये देखो खंबे खाली पड़े, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। पहले टाइप का जो ऑप्शन था वो इस प्रकार से अभी ऑप्शन नहीं है दोस्तों। सो पहले में अब मैं बहुत फर्क हो गया है। अब लोग देखो ना, भीड़ आप देख रहे हो, ये कोई भीड़ है कुछ नहीं लग रहा है ऐसा कि यह भीड़ है, मेला है, लास्ट डे है, मेरे को तो पता ही नहीं चला। अब घोड़ों ने रेस कर दी, मैं तो सोच रहा हूँ ये कोई ट्रायल में घूम रहे होंगे, यहाँ पे आके देखा फलाना ढींगड़ा उनका वो सारा का सारा सिस्टम है, वो वहाँ से मतलब वो पुरस्कारित कर रहे, बाद में पता चला कि इनका जो मामला है वो सेट हो गया दोस्तों। तो इसमें कुछ खास नहीं कह पाया हूँ। यहाँ पे 5 साल, कम से कम 5 साल पहले एक बार मैं आया था ये हॉर्स की जो रेस देखने के लिए, तो यहाँ पे दोस्तों इतनी भीड़ थी कि यहाँ पे लोग पूरे ये जो आप मैदान देख रहे हो कुछ 20-25-30 बीघा के अंदर, लोग के पैर रखने की जगह नहीं थी। और आज ये देखो, मतलब इतना डिफरेंट आ गया कि कुछ इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि। तो दोस्तों आपको ऊंट दिखा रहे हैं, ऊंट अब हो गया बेकाबू, भीड़ देखो, मैं भी कोई जिप्सी के पीछे भागने वाला हूं दोस्तों। देखो ये होती है, ये आप कुछ देख सकते हो, ये देखो ऊंट ताप रहे हैं दोस्तों, विशेष कोई नहीं है, ये किसी की लगेंगे वो देखो दोस्तों, देखो ये होती है ऊंट की रेस। दोस्तों अब क्या कहें, कौन फर्स्ट आया कौन सेकंड आया, लेकिन जो लोग है वो कहाँ से इधर उधर हो गए, ताकि मतलब ये सोच रहे कि अपने को टपका ना था। एक बार वहाँ पे हादसा हुआ था तो चाचा जी जो है उनको काफी लगी थी लोहे का, वो जो स्टेडियम का रोड है। मेरे को तो डर लग रहा है डर, क्योंकि ये कभी भी ऊंट तापड़ सकते हैं, तो मैं तो जा रहा हूँ साइड के अंदर, और साइड से मैं आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड कौन कौन से जो ऊंट है वो आए हैं।
तो दोस्तों जो फेस्ट है वो अभी जो जिसको पुरस्कारित किया है वो है प्रभुराम जी देवासी गुजरात का। अच्छा गुजरात का सेकंड है। अच्छा सेकंड ध्यान नहीं थर्ड बाजू जो ध्यान को नहीं। अच्छा एक आउट ऑफ कंट्रोल कहो हो एक दो तीन चार वो लास्ट में एक अटीन वटीन हो वो कहो है। अच्छा वसमल वाह अच्छा पूरी बे किला सांदी लेना है कटे क्षेत्री मेला में। अच्छा क्षेत्री मेला में तलवाड़म लेना। अच्छा 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 मतलब इनकी बहुत बड़ी पहचान है। अच्छा अच्छा ऊपर फोटो जो आप फोटो देख रहे हो मतलब वो फर्स्ट नंबर है। अच्छा है नहीं दौड़ भी काफी स्ट्रॉन्ग है बाकी विशेष इतना नहीं हो। हाँ अच्छा अच्छा तो मतलब ये तो विशेष को लाएगी उनको। अच्छा अच्छा आप देख सकते हो कुछ फर्स्ट है उसकी जो एक बात अलग ही है उन्होंने 2 किलो सिल्वर दोस्तों जीती है पहले तिलवाड़ा मेले के अंदर 100 ऊँटों में ये निकला फर्स्ट नंबर पे। अच्छा 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 ये है फर्स्ट वाला जो ऊँट और इस ऊँट ने 2 किलो सिल्वर तिलवाड़ा मेले के अंदर जो है एक राशि जीती थी और राशि एक गोल्ड मतलब सिल्वर जीता था और उसके बाद में जो ये 100 ऊँटों के जो रेस थी उसमें ये फर्स्ट नंबर आया। आपकी कुछ आप डिज़ाइन देख सकते हो इतनी नेचुरल डिज़ाइन आपको दिख रही है कि मैं पास में नहीं जा सकता भीड़ बहुत है नहीं तो मैं आपको इसकी डिज़ाइन भी बताता। अगर दोस्तों बात करें प्रभुराम जी देवासी वासन के है और इनका जो राशि है इनको 2 लाख रुपए इनका जो इनवाइट किया था लेकिन इन्होंने सेल नहीं किया क्योंकि ये एक लाखों में एक है क्योंकि ये 100 जो ऊँट थे उसमें ये फर्स्ट बार जीता था तिलवाड़ा में और 2 किलो जो सिल्वर थी वो उन्होंने जीती थी। और इसकी तो दोस्तों एक बात ही निराली है बाकी एक दो और है वो काफ़ी एक अच्छी रेसिंग के साथ में बाकी जो फोर्थ था वो तो दोस्तों इधर उधर हो गया था। और आप कुछ यूँ भीड़ देख सकते हो मेले में पहले जैसा रुतबा तो नहीं है बट ठीक है हम आगे आपके साथ में कुछ व्लॉग लेके और इस प्रकार से हम जो आपको स्टेप बाय स्टेप है जो बता रहे और ये आप देख सकते हो बिना थूबी के जो ये ऊँट है दोस्तों ये तो बेचारे इधर उधर हो गए लोगों को एक दो पाटू ही मारी होगी क्योंकि इसमें इतना वो नहीं लगा था दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं आपको बता रहा हूँ कुछ मनोरंजन के लिए आप ये रिंग भी डाल सकते हो कुछ पैसे भी जीत सकते हो और इसके साथ साथ में यहाँ पे काफ़ी भीड़ भी है बट इतनी भीड़ नहीं है पहले होती ज़्यादा भीड़ थी अभी तो ऐसा कुछ माहौल नहीं है बट आप देख सकते हो कि आप ये टैटू है वो भी यहाँ पे टैटू करवा के और पछता सकते हो क्योंकि टैटू करवाने के बाद। तो दोस्तों ये घोड़ियों से संबंधित जो भी इनके जो पार्ट आते हैं जो कि तोरण के रूप में आप देख सकते हो सारे के सारे जो घोड़ी के रिलेटेड आते हैं ना उसको श्रृंगार के रूप में ये आप देख सकते हो इस प्रकार से माला है उनके घूघरू सब यहाँ पे आपको मिल जाएंगे कुछ आप ये भी देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे आपको घोड़ियों के जो लेदर से संबंधित जो भी है वो सारे के सारे यहाँ सेटिंग्स बेल्ट सारे के सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और साथ साथ ही अपन बात करते हैं तो यहाँ पे जो प्लास्टिक के जो होते हैं ढकने के लिए वो भी आपको मिल जाएंगे। और अगर बात करें ऊँट के लिए ये दो सीटर है वो भी आपको मिल जाएगी। और मैं आपको और कुछ दिखाता हूँ दोस्तों आप कुछ यूँ आप देख सकते हो इस प्रकार से जो मार्केट है वो पूरी सजी हुई है लेकिन भीड़ बहुत कम है भीड़ भी होनी चाहिए क्योंकि ये विक्रेता बहुत दूर दराज से आते हैं तो इनके लिए कुछ ना कुछ आप यहाँ पर आओ तो लेके जाना ये बहुत ज़रूरी है। रस्सियों की बात करें तो भी आपको मिल जाएगी ये कुछ आप देख सकते हो ये है रस्से और मैं आपको आगे बताता हूँ कि यहाँ पे और क्या कुछ मिलता है बच्चों के खिलौने वगैरह हर जो मार्केट है जो सॉरी सेल है जो आपको मिल जाएगी 60 रुपये में। आप कुछ पीछे देख सकते हो ये प्लास्टिक के जो मटेरियल है वो भी आपको मिल जाएगी। दोस्तों आपको यहाँ पे हॉकी मिल जाएगी और डांग मिल जाएगी डांग यानी कि डंडा मिल जाएगा बड़े वाला जो कि SS 7 फीट और कुछ आप देख सकते हो इसमें स्टेप बाई स्टेप आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे और क्या कुछ मिलता है कुछ आप ये देख सकते हो 5 से 6 फुट की जो डांग है वो भी आपको मिल जाएगी। और ये है यहाँ के ओनर जो कि अलग अलग टाइप के अगर आप क्वालिटी की बात करेंगे तो आपको क्वालिटी भी मिल जाएगी जो कि इस प्रकार से है ये डांग बहुत ही अच्छा दिखने में बहुत ही अच्छा और ये मजबूत लग रही है मेरे को और डांग माती डेरो है आजकल
तो ये अगर आप यहाँ पे आए हो तो डांग तो लेके जाना ही बहुत जरूरी है। डांग के साथ में आपको तलवार भी लेनी चाहिए क्योंकि सेफ्टी के तौर पे माना जाए, और कहीं किसी के प्राण ना जाते हैं तो दूसरे घर जाने ना पड़े। अरे माड़ी थारे एक दही हो, एक तलवार दही हो, मारसोर एक मुगला हो, वो भी नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो इस प्रकार से आप ये देख सकते हो कुछ, ये है डांग्स, आपको ब्लैक भी डांग मिल जाएगी और आप देख सकते हो कुछ यूँ है यहाँ की जो डांग। डांग के साथ साथ में अगर आप होकी जैसे आप देखना चाहते हो वो छोटे वाले चुट्टे, वो भी आपको मिल जाएंगे। और अगर बात करते हैं यहाँ के जो भीड़ भड़ाके की, तो भी आप देख सकते हो लोग सभी डांग के लिए ही बैठे आजकल, डांग के लिए बैठे, यानी कि डांग तो खरीद रहे हैं, डांग के साथ साथ में तलवार भी आपको खरीदने चाहिए। ये है मार्केट, कुछ ऐसी मार्केट है यहाँ की, मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये है अगर गाड़ी के लिए छोटा, आप अगर को अगर आपको गाड़ी के लिए छोटा चाहिए तो आप ये भी ले सकते हो, जो कि आराम से स्कॉर्पियो के अंदर आपकी वहाँ पे पड़ी रह सकती है दोस्तों। और मैं आपको आगे बताता हूँ कुछ ये इस प्रकार से डांग है, और पब्लिक भी आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से जो पब्लिक है जो जुटी हुई है सामान खरीदने के लिए। अभी शाम को बज गए हैं 6, और 6 बजने के बाद में ये हो जाएगी ऑफ, और उसके बाद में मार्केट है वो धीरे धीरे डाउन होती जाएगी क्योंकि इसका जो आज है वो है मेले का लास्ट डे। और आप देख सकते हो उस बेचारे को ऊपर बैठा के रोक दिया क्योंकि उसके उसके लिए उनकी थोड़ी सीटें खाली रह गई, तो सोचा कि पूरी एक बार फिनिश हो जाए तब जाके चालू करें, पर भैया ऐसा नहीं, ये झूला है वो चालू हो गया है। एक दो मित्र अभी कह रहा था रोक दे मित्र, ओए रोक दे मित्र, चाहे डबल ले ले, ऐसी मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी तो मैंने इनका भी तो वीडियो बना लिया। आपने ये कभी वीडियो देखा है, अरे रोक दे मित्र, डबल ले लेना पर रोक दे। दोस्तों मैंने भी एक ले लिया डांग, 150 की डांग है वैसे, लेकिन काम बहुत करती है। तो गाइस अभी मैं लेने वाला हूँ जोंडी ट्रैक्टर, और ये है भाई साहब जो कि इसका रेट कर रहे हैं 120, लेकिन इन्होंने 100 रुपए में हाँ कर दिया है ना भैया। आप कब कितने टाइम से जोंडी बेच रहे हो? एक साल से। इसका सर्विस सेंटर कहाँ है भैया? पुष्कर में सर्विस सेंटर है, तो यह तो मेरे को चला के पुष्कर लाना पड़ेगा। सो गाइस आप देख सकते हो कुछ बच्चों के लिए मैंने खिलौने लिए, ये अंकल जी ने लिए, मेरे को पता चला कि भाई एक बार मैं भी ले लूं बच्चे के लिए। और ये है अपने नेति भाई, डियर माय डियर फ्रेंड्स, नेति भाई बिग ब्रदर्स। तो दोस्तों ये है झूले छोटे बच्चों के लिए खिलाने के लिए, आप अगर यहाँ पे आए हो तो थोड़े बच्चों के साथ में मनोरंजन करना तो बनता है। और बड़ों के लिए भी झूला है, छोटों के लिए भी झूला है, बाइक्स है, गाड़ीज है। तो दोस्तों ये भी आप देख सकते हो, ये कुछ राउंड में घूमेगा और अलग अलग टाइप से जो 4-5 मोड है उस आधार पे जो ये काम करेगा, लेकिन जिसको चक्कर आता है उसको इस जो झूले के अंदर नहीं बैठना चाहिए। अब झूला तो इसको नहीं कह सकते, बट तो दोस्तों कम्प्लीटली आपको अब हम बताने वाले हैं तलवार, जो कि 10,000 की जो तलवार है वो आपको बताने वाले हैं, जिसका वेट 4-5 किलो है दोस्तों। बट इसका जो म्यान है उसकी मत पूछो बात, एक अलग टाइप का ही धातु है कम्प्लीटली। जो यही तलवार है जो 10,000 की, बट उन्होंने हाँ कर दिया है 8,000 के अंदर। आपको ये तलवार कैसी लगी? क्या ये 8,000 की तलवार है या नहीं है? क्या आपने ऐसी तलवार खरीदी? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि मैं भी आने वाले टाइम में ये तलवार खरीद सकूं। और इस तलवार की बात ही निराली, इतनी सॉफ्ट और कंफर्टेबल जो तलवार है, और इसकी धार तो देखे तो क्या बताएं दोस्तों, ऐसी तलवार मैंने फर्स्ट टाइम देखी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक